हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम प्रिया एंड यू आर वाचिंग प्रियाज डेकोर मंत्रा। सो आज का जो वीडियो है वो एक शॉपिंग हॉल है। यस, मैंने आईकिया से बहुत सारी चीज़ें खरीदी थी, तो आज मैं उसी की हॉल शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैंने वहाँ से क्या क्या चीज़ें खरीदी थी। इसका स्टोर टूर और सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपके साथ में शेयर करी है, आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग स्टोर है, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वहाँ ज़रूर 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 जाना। तो चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो ये बैग भर के मैंने सामान लिया है। इसके अलावा और भी सामान है, इसमें सारा सामान नहीं आया था, मैंने इतनी शॉपिंग करी है। तो इस तरह के बैग्स मिल जाते हैं वहाँ पर, फैब्रिक के भी बैग्स मिल जाते हैं, तो मेरा इसमें काम हो गया था। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं। तो ये है पूरा बिल जो मैंने सामान लिया हुआ है। यहाँ से मैंने अराउंड 4000 रुपीज़ की शॉपिंग करी है और जितनी भी चीज़ें ली है वो काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल है, अराउंड 200-400 इसी की रेंज की है और कोई भी ले सकता है इन प्रोडक्ट्स को, इतने अमेजिंग है ये। तो चलिए फिर फटाफट से मैं दिखाती हूँ। सबसे पहले तो मैंने ये लिया, अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या है, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये क्या है। ये मुझे अराउंड 300 रुपीज़ का पड़ा था। ये स्टूल है एक्चुअली, बहुत ही प्यारा, इसे देखते ही मैंने पसंद कर लिया था और ऐसे दो पीसेस लिए हैं। ये से डिसअसेंबल्ड आता है, मैंने एक असेंबल भी किया है, मैं आपको वो दिखाती हूँ। ये ऐसे असेंबल हो जाता है, इसके ऊपर की प्लेट अलग रहती है और नीचे के लेग्स अलग रहते हैं। इसे एडजस्ट करना है पुश इसके अंदर और लग जाता है। इसके मैनुअल्स भी हैं, देख सकते हैं। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, ऑब्वियसली आईकिया के प्रोडक्ट्स होंगे, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और रिजिड भी है। तो ये इसमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल थे, मुझे ये ऑरेंज कलर लगा अच्छा और मैंने इसे दो लिए हैं। एक्चुअली ये बच्चों के लिए हैं, बच्चों के स्टूल्स हैं, बट मैं इसका होम डेकोरेशन के स्टाइलिंग में भी यूज़ करने वाली हूँ। सो ये तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, इसलिए मैंने ये दो पीस लिए। नेक्स्ट मैंने लिया है ये इतना बड़ा बॉक्स, यू कैन सी। ये बॉक्स भी मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया कि मैंने इसे ले लिया था। ये अराउंड 400 रुपीज़ का है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे ये। इसके नीचे पे ऐसे व्हील्स भी हैं, तो यू कैन सी, इसको इजीली स्क्रॉल कर सकते हैं। इस टाइप के कुछ डीमार्ट्स में भी मिल जाते हैं, लेकिन ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। बीच में ऐसे एक स्लिट है और आसपास ऐसे छोटे छोटे से स्लॉट्स बने हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। ये एक्चुअली अलग अलग रखे हुए थे, लेड अलग से लेना पड़ता है और ये, बट हाँ पूरा एक साथ मिलके 400 रुपीज़ में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। क्वालिटी तो ऑब्वियसली बहुत ही अच्छी है। तो उसके बाद नेक्स्ट मैंने ये सोफ़ा थ्रो लिया है। ये 500 रुपीज़ का है, काफ़ी अच्छा है। अगर आप ऑनलाइन शॉप्स पे देखोगे ना, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली मिलता है। इवन मीशो पे भी इस तरह के सोफ़ा थ्रोज काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली मिलते हैं, बट आईकिया में तो ये मुझे बहुत ही अच्छा मिला, 500 रुपीज़ में मिला है और मैंने ये एक पीस लिया है और से मैं स्टाइल करने वाली हूँ। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे ये, तो मैं इसको एक बार ओपन कर लेती हूँ। तो ये इस तरह से रोल था और जस्ट यू कैन सी, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मटेरियल बहुत सॉफ्ट है, इसमें भी कलर्स थे बहुत सारे, पे सारे न्यूट्रल कलर्स ही थे, तो ये वाला मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। एंड यू कैन सी कितना सुंदर है, तो ये मैंने एक ले लिया, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। उसके बाद ये तो मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया है, यू कैन सी ये लैंटर है और बहुत ही ज़्यादा, इसके बारे में कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, ये अपने आप ही दिख रहा है कि कितना ज़्यादा सुंदर है ये। और ये भी मुझे 400 रुपीज़ का पड़ा हुआ है, तो इतनी अच्छी क्वालिटी है, अमेजिंग क्वालिटी, इतनी अच्छी क्वालिटी मैं तो मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन कहीं पे भी नहीं मिलेगा जितना मुझे वहाँ पर मिल गया है। कांच के यहाँ पर बीच में ये कांच की बनी हुई है और पूरा का पूरा मेटल में है। काफ़ी ज़्यादा अच्छी इसकी जो क्लोज करने वाला पोर्शन है, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आप इसमें कैंडल रख सकते हैं और बस, इसके अंदर छोटा सा ये कार्ड भी है, यू कैन सी। और बस ये तो मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया है कि दिस वॉज माई फर्स्ट पिक, तो दिस इज़ अ मस्ट बाय। अगर आप आईकिया जाते हो ना तो इस तरह की चीज़ें ले लेना। ये चीज़ें दिवाली पे काफ़ी ज़्यादा काम में आने वाली हैं, मतलब लाइटिंग वगैरह में आप यूज़ कर सकते हैं और इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो ये है प्लांटर। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, क्वालिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ब्लू कलर में मैंने लिया, वहाँ पर ये ब्लू कलर में ही था तो मैंने इसे तीन लिए हैं। छोटा सा ये प्रोविज़न दिया है इसको हैंग करने के लिए, रेलिंग्स या कहीं भी आप हैंग कर सकते हो, तो ये मैंने लिया है। उसके बाद नेक्स्ट मैंने ये प्लेट्स ली है।
ये एक्चुअली बहुत ही प्यारी प्लास्टिक की प्लेट से मुझे काफ़ी अच्छा लगा है ये, इसको देख के ही ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ में आएगी और आप भी यूज़ कर सकते हो, नहीं करना है तो इसको एज अ डेकोरेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हो। सारे इसमें पेस्टल कलर्स ही हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है इसकी। इसमें टोटल 6 प्लेट्स हैं और 6 प्लेट का ये पूरा सेट है। ये मुझे पड़ा था 99 रुपीज़ में, तो यू कैन इमेजिन कितना सस्ता है, इतनी अच्छी क्वालिटी कहीं भी नहीं मिलेगी, तो मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद नेक्स्ट ये बाउल्स हैं, ये भी सेम उसी कलर्स में हैं, प्लेट्स के कलर्स में। यू कैन सी ये पूरा सेट है, तो मैंने ये भी ले लिया, प्लेट है उसके साथ में बाउल भी ले लिए, सेम वही 6 का सेट है और सारे पेस्टल कलर्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट ये लंच बॉक्स है, ये बच्चों के लिए है, मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा तो मैंने ये ले लिया और ये मुझे पड़ा था 149 रुपीज़ का। सो ये ऐसे ओपन होता है एंड उसके बाद नेक्स्ट मैंने ये कंटेनर लिया है, इसकी लिड साथ में आती है और ये भी डिसअसेंबल्ड है, इसे असेंबल करना पड़ेगा। इसके साथ में ये हुक्स हैं तो इसे लगाना है और बस ये प्यारा सा कंटेनर स्टोरेज हमारा रेडी हो गया है। काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी, बहुत स्ट्रॉन्ग है और यू कैन सी कि बहुत ही अच्छा है ये प्रोडक्ट और ये मुझे पड़ा है 200 रुपीज़ में, सिर्फ 200 रुपीज़ में, तो है ना अमेजिंग। उसके बाद नेक्स्ट मैंने ये बॉटल क्लीन करने की ब्रश लिया, ये भी मुझे मिल गया था तो ले लिया, ये होम डेकोरेशन के लिए तो नहीं है बट किचन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ आएगा, तो ये मुझे पड़ा था 60 रुपीज़ का, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है तो मैंने ये ले लिया। तो अगेन ये भी किचन से रिलेटेड चीज़ है, ये मैंने ली है, ये मुझे 99 रुपीज़ में पड़ी थी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है तो मैंने ये भी ले लिया। उसके बाद नेक्स्ट ये सीजर्स लिए हैं, ये मुझे 50 रुपीज़ का पड़ा था तो मैंने सोचा कि यहाँ का सीजर भी ट्राई करते हैं कैसे होगा, तो वो ये भी मैंने ले लिया है, ये भी मैं ट्राई करने वाली हूँ। सो ये सारी चीज़ें मैंने ली थी और आप मुझे बताना कि आपको इनमें से कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लगा और ये भी बताना कि आप पहले कभी IKEA स्टोर पर गए हैं और आपका एक्सपीरियंस कैसा है। तो यस, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।